very excited. Yeah. Yeah, are you fighting? दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब मैं उनकी आंखों में उम्मीद देखता हूँ, वो थकावट देखता हूँ, बाहर कुछ लोग बेचारे कमर लगा के लेटे हुए थे, बहुत दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, कुछ को खाना मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। अरे भाई देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। रॉयल इंडिया वेकेशन में इतना बड़ा फंक्शन है, दुनिया में इतने बड़े फंक्शनों में खाने नहीं मिला करते, या मिलता तो है, पर दोस्तों ये आज का खाना खाने नहीं आए हम, जीवन भर का खाना लेने आए हैं। जीवन भर का हम यहाँ डांस देखने नहीं आए, हम यहाँ डांस देखने नहीं आए। ऊपर वाले ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि डांस देख के आ, ऊपर वाले ने हमें इसलिए भेजा है अपने जैसों को देख के आ कि तेरे जैसे कहां पहुंच सकते हैं, तेरे जैसे किसान के बच्चे क्या बन सकते हैं। आपको मालूम है, मुझे नहीं पता आप कल क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं कहूंगा, पर मैं ये कह सकता हूं आपके साथ कोई है या नहीं है, पर भगवान जरूर है, अल्लाह खुदा गौर भाई गुरु जरूर है। ये बात मैंने क्यों कही, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त दुनिया को बुलाया होगा, दुनिया को बोला होगा दिल्ली चलो, पर किसी ना किसी के घर में कोई दिक्कत आई होगी, कोई परेशानी है, किसी का मन नहीं करा होगा। आपको ऊपर वाले ने यहां क्यों भेजा है, या कोई कैटरीना नहीं नाच रही, कोई अमिताभ बच्चन का शो नहीं चल रहा, ऊपर वाले ने ये भेजा है आपको, किसने भेजा है? सिर्फ एक कारण, ये बताने के लिए भेजा है कि बेटा दम है, एनर्जी है, ताकत तुझ में है, पर रास्ता तेरे पास नहीं है, चल रास्ता देख के आ, रास्ते पे तुझे चलना है और किस रास्ते पे तुझे सफलता प्राप्त होगी। ऊपर वाले ने भेजा है कि बेटा कॉन्फिडेंस लूज मत कर, इस रास्ते पे चलकर जो अरबपति करोड़पति बने हैं, क्या बेटा उनसे सीख क्या, उनको देख क्या, वो तेरे ही जैसे परिवार से। हम सबको बहुत बहुत तहे दिल से परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने यह हमें जगाने के लिए भेजा है, हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भेजा है। दोस्तों इस दुनिया में मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, इस दुनिया में यहां बैठे जितने भी लोग हैं कोई निकम्मा नहीं है, कोई नकारा नहीं है, कोई नाकामयाब नहीं है। हम सब जैसे ऊपर वाले ने हमें रास्ते दिए, अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। कोई किसानी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने जीवन यापन हम सब लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब, यहाँ बैठा कोई फेलियर नहीं है, यहाँ बैठा कोई नाकामयाब नहीं है, यहाँ बैठा हर आदमी मेहनती है। बस ऊपर वाला ये कहता है कि बेटा ये मेहनत चिल्लर के लिए मत कर, रुपयों के लिए कर लिए। ऊपर वाला ये बताना चाहता है कि इसी मेहनत को कर कर जितनी तू आज करता है, अगर प्लेटफॉर्म मजबूत हो, अगर रास्ता सॉलिड हो, तो तू बहुत ज्यादा कमा सकता है, बहुत ज्यादा सफल हो सकता है, बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। करनी वहां भी मेहनत है, और करनी यहां भी, बस रास्ता बदलना है। मेरे दोस्त किसी ने कहा है, 8 घंटे मजदूरी करता है, 500 रुपए कमाता है, 8 घंटे डॉक्टरी करता है, 50,000 कमाता है। मेहनत दोनों करते हैं, रास्तों का अंतर है। आपकी मेहनत करनी आपको आती है, रास्ता बदल दो, 500 की दाढ़ी 50,000 में बदल जाएगी। करना क्या है, क्या गलत काम करना है? मैंने भारत माता की जय क्यों बोलता हूं, मैं भारत माता को क्यों मानता हूं, मैं देश को सर्वोपरि क्यों रखता हूं, एक ही कारण है,
कि जो मैं बेचता हूं ये भारत की धरती पे होता है और किसी धरती पे नहीं होता। अगर भारत माता ना होती, ये धरती ना होती, तो आयुर्वेद ना होता, और आयुर्वेद ना होता तो श्री फैसलनेस भी ना होती। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, अपने जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं ये सर लोग? तो क्या ये जो काम हम करेंगे, आप ही बता रहे काम अच्छा काम है बुरा काम है? लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को आयुर्वेद से रूबरू कराएंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज से रूबरू कराएंगे, क्या खाना नहीं है क्या खाना है लोगों को बताएंगे, अच्छा स्वस्थ जीवन कैसे जीना है ये लोगों को समझाएंगे, और अगर कोई परेशान है, किसी की डायबिटीज है, घुटने का दर्द, कोई भी बीमारी है, उसको आयुर्वेद का प्रोडक्ट दे के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये समाज में काम कर कर हम दो पैसे कमाएंगे। मैं एक आवाज में पूछता हूँ, ये अच्छा काम है बुरा काम है? ये अच्छा काम है बुरा काम है? दोस्तों, यहाँ जिसने दो सीटर ली, एक सीटर ली, आठ सीटर ली, 80 सीटर ली, वैनिटी वैन बनाई, चाहे हेलीकॉप्टर लेके आएगा, दो नंबर का नहीं, एक नंबर का काम करके लेके आएगा, एक नंबर का काम। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर देख सकते हो कितने रिजल्ट हैं, कितने लोगों को फायदा होता है इन प्रोडक्टों से। आगे आपको कोई मैडम बता रही थी, ये काम है क्या? ये काम नहीं है, ये तो मिशन है, तो पूजा है। अरे समाज के लोगों की बीमारी खत्म करना, समाज के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना, ये काम नहीं, ये देश सेवा है, ये देशभक्ति है। आज वो तुमने अभी रिजल्ट देखा पैरालाइज, ये तो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बड़े बड़े रिजल्ट यूट्यूब पे मिलेंगे, बड़े बड़े रिजल्ट लाखों करोड़ों रुपए में भी कोई 20 साल में बच्चा पैदा नहीं कर पाता। 20-20 साल की माए और पिता जिनको औलाद का सुख नहीं था, ऐसे केस के 20,000 के प्रोडक्ट से औलाद का सुख मिलता है, ये दो नंबर का काम है क्या? ये गलत काम है? अगर ये गलत काम है तो मैं जीवन भर करूंगा, और जीवन भर लोगों को प्रेरणा दूंगा। एसरीपीएस वेलनेस यहां से नहीं चलती, यहां से चलती है। ये कंपनी नहीं, लोगों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी, लोगों का यूज नहीं करती, आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाती, झूठ आडंबर के साथ काम नहीं करती, सच्चाई पे काम करती है, क्योंकि ये कंपनी एक और ये फौजी दुनिया में किसी से नहीं डरता। yes, yes. दुनिया में सिर्फ एक ही डर है जिंदगी में, भगवान कभी किसी का गलत ना होने देना मेरे हाथ से, एक ही डर है। मैं हमेशा भला करूं समाज का, देश का, लोगों का। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मार्केट में नेगेटिव प्रसिप्शन, नेगेटिव प्रिसेप्शन होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं 90% साले चोर हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में बात चल रही है, सरकार मिनिस्ट्री काम कर रही है। मुझे एक दिन मिलने का मौका मिला देश के सबसे बड़े अधिकारियों से, मैं खुद बोला मेरा चोर है, हम 90% सारे चोर है, इनको उखाड़ फेंकेंगे। देश के सबसे बड़े अधिकारी से मीटिंग हुई मेरी, मैंने मेरी वेबसाइट खोल के दिखाई है, किसी माई के लाल में हिम्मत मां का दूध पिया किसी ने जो सलाह मिनिस्ट्री में जाकर वेबसाइट खोल के दिखाई? मैडम चेक माई प्रोडक्ट यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए क्या गलत कर रहा हूं मैं। मैंने कहा इस देश में सारी कंपनी गलत नहीं है, सारे लोग गलत नहीं है, मैडम
पर 90% है झूठ बोल के काम करते हैं। एसपीपीएस वेलनेस ने कभी झूठ बोलने के संस्कार अपने लोगों को नहीं दिए। अमेरिका कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, बस सच बोलना, सच बोल के बात करना। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी और मैं सच के लिए लड़ मरूंगा। ये वो बंदा है, दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, हमेशा अच्छा किया है। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे मदद की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, या लोगों के मरने के बाद भी, अरे ये कोई दिखावा नहीं है। लोग कहते हैं दिखावा करता है, उसके भी पैसे लगते हैं, आराम करो तुम कर लो, ऐसे लगते हैं। खर्च करने की हिम्मत है क्या? उसके लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, और जिगरे लेके कोई कोई ही पैदा होता है। तो अगर आपने फ्यूचर लगाया है, आपने अपनी लाइफ लगाई है, मैं पूरी ताकत और पूरी जिंदगी पूरी मेहनत करूंगा आपके फ्यूचर को बनाने की, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हक के साथ लेता हूं। मैंने बताया सरकार को मैं सारे प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं इधर से इधर नहीं बेचता, मैं दलाली नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं करता, बना के बेचता हूं। सरकार ने पूछा, सच में? मैंने कहा ये नहीं मेरी फैक्ट्री, ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। साले प्रोडक्ट में पानी मिलाना, प्लान की आड़ में प्रोडक्ट बेचना, और फिर कहते हैं सरकार हमारे साथ है, फिर कहते हैं आम समाज हमारे साथ है, परसेप्शन पॉजिटिव हो, कहां से पॉजिटिव होगा? जिस दिन ईमानदार बनोगे, ईमानदारी से काम करोगे, आज एसपीपीएस का धंधा जिस भी शहर में होता है सारा शहर पॉजिटिव है, शहर के शहर पॉजिटिव है, बाजार अरे कोई लंदन में प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई यूएसए में, कोई कनाडा में, ऐसा विश्व का कोई कंट्री नहीं है जहां एसपीपीएस का प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है। और अभी तो हमने लॉन्च नहीं किया, एसपीपीएस की क्या ताकत है, क्या पावर है, इतने से समझ जाओ यार, इस थोड़ा सा जलवा तो देखो। कोविड के बाद एसपीपीएस कंपनी की छोटी सी टीम ने इंदिरा गांधी को करे बैठी है, ये पूरी कंपनी नहीं है, कंपनी का छोटा सा हिस्सा है। अभी इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू की तरफ चल रहे हैं, 1,00,000 लोग आते हैं। दोस्तों आज जितने भी प्रोडक्ट आपके पास है उनमें रिजल्ट है, यस और नो? अरे यस और नो? यस और नो? साबुन से लेके छोटे से लेके बड़े प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं? यस और नो? यस और नो? अगर अच्छे प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो रिकमेंड करना चाहिए दिल से या नहीं? समाज के बीच जाना चाहिए लेके या नहीं? समाज को समझाना चाहिए लेके या नहीं? मैं ये नहीं कहता अखंड भारत का सपना करे सरकार साकार, अखंड आयुर्वेदा का सपना करेगा संजीव कुमार सरकार। विश्व की हर कंट्री में बेचेंगे। कोविड ने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, अभी तो थोड़ा इंजन हमारा कोविड की वजह से गर्म ही नहीं था, क्योंकि इतने बड़े परिवार से मिलने का मौका 2.5 साल बाद मिला है। अब मैं 30,000 लोगों की एनर्जी लेके जाऊंगा तो मैं भी कुछ चमत्कार तो करूंगी। अभी एक व्यक्ति बता रहा था, मैं तो सोच के हैरान हो गया और मैंने कहा यार सच बता, बोला सर मैं कसम खाता हूं ऐसा रिजल्ट आया। गुजरात की कोई स्नेहा त्रिपाठी मैडम है, ये बताया है कि वो 22 साल से बेड में थी, 22 साल से। मैं ये कहना चाहता हूं अगर साली कोई आंखें हमें लालच की नजर से देखेंगी आंखें निकाल दूंगा। हम
लालची लोग नहीं है, हम ईमानदार लोग हैं। प्रोडक्ट अच्छे बनाते हैं इसलिए अच्छे रेट में बेचते हैं, कचरा बनाते हैं तो कचरे रेट में बेचते हैं। वो रिजल्ट क्या है वो जब बताया, मेरा दिमाग, मेरा जमीर हिल गया, मेरी आत्मा कांप गई सर, कि 22 साल से एक लेडी बिस्तर से उठ नहीं पाई और एसलीपीएस के प्रोडक्ट लेकर 22 साल से कमर के नीचे का हिस्सा शून्य था, चूटी काटे तो पता नहीं चलता था, और 3 दिन में उसके शरीर में हल्का फुल्का मोशन होने लगा। और आज वो लेडी आपके बीच आई हुई, जिसकी कमर का हिस्सा काम नहीं करता था, जो 22 साल से टॉयलेट वॉशरूम नहीं जा सकती थी, आज आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए इंदिरा गांधी में आई हुई है। मैं चाहूंगा एक बार वो मैडम स्टेज पे जरूर आए और अपना आशीर्वाद, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं बहुत लगती है मेरे दोस्त, हमें ऐसे लोगों की दुआएं चाहिए, दुआएं मिलती रहे तो लगता हम कमाई लेंगे। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे, याद रखना एसलीपीएस पहले लालच में खड़ी नहीं हुई थी, पहले तेल इंसानियत पे खड़ी हुई थी, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये कंपनी इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ेगी। पैसे आए या ना आए, लोग साथ आए या ना आए, जो है वो भी छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे की एक आदत है, आज तक कोई गया है किसी को फोन नहीं किया और किसी को आने के लिए फोन नहीं किया, अपना काम करता हूं, अच्छा लगे तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। जिसको जो अच्छी लगती हो जाए, जिसको जो पसंद हो जाए, लेकिन याद रखना अगर गवर्नमेंट की बात समझ में आ गई मेरे वाली तो 10% ही मुझे माल बचेगा, डायरेक्ट सेलिंग का 90% खराब है। ये बता देता हूं, मुझे जो बदलाव करना हो मैं करूंगा 90%, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत में एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देना जिसके ऊपर दुनिया में कोई कभी उंगली ना उठा पाए। मैडम मैडम क्या बात है, आप अपना आशीर्वाद दो। देखो इतना चल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम सेहत त्रिपाठी है, मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये जो प्रॉब्लम थी बाई बर्थ थी, कमर के नीचे का हिस्सा एकदम काम नहीं करता था, और जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप चिमटी भी लें तो मुझे पता नहीं चलता था, कोई सेंस ही नहीं थे, कहीं चोट भी लग जाए तो भी नहीं पता चलता था, ब्लड अपने आप निकलने लगता था। कहीं का वही कैसे कराओ, और जिसको दुआएं चाहिए वो सारा ऐसे मुझे रिजल्ट आने के बाद मैंने सिर्फ अपनी साड़ी पहनी और उस पर एक पिक डाली। आज मैं बिजनेस करते करते प्लैटिनम लेवल पे हूँ, बहुत बेहतर लेवल पे। अरे सुनो, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, सबको जाना है, या ईगो के साथ चले जाओ, घमंडी बन जाओ, झूठे बन जाओ, मक्कार बन जाओ, लालची बन जाओ, परे भी बन जाओ, दुनिया को लूट के अपना घर बना लो, या दुनिया का दिल जीत के उनके दिलों में अपनी जगह बना लो। एक ही बार मिली है, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल बाद, पूरी जिंदगी कोई नहीं रहेगा। मेरा मैसेज है, मुझे लालच के लिए कभी मजबूर मत करना, और ना मैं कभी हो सकता, और ना मुझे कोई सलाह धमकी देने की कोशिश करना, कंपनी छोड़ दूंगा, लात मार के बाहर करूंगा। मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरह का है, मेरी सेंस थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नहीं खाया, ना मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं बेईमान तो मेरी कंपनी में मुझे दिखेगी ना, और जो होगा देखा जाएगा। पहले जिससे कहता हूं सच्चाई के साथ ईमानदारी से काम करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, और देखने वाले ये नजारा देख लो। yes, yes.
इसके क्या ऊपर मर के जाऊंगा, भगवान कहां बैठाएगा मैं, देखो ये क्या बोल के गई है भाई। साल से जो खड़ा नहीं हो रहा बच्चा, आज खड़ा होकर धुआं देखे जा रहा है, इसके सामने पैसे की औकात है क्या? क्या इतना कर गया हिंदुस्तानी, क्या इतना कर गया हमारा जमीन कि इन लोगों की दुआओं से बड़ा हम पैसे को मानने लगेंगे? कभी नहीं मानेंगे। ऐसी ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती थी, बनाती है और बनाती रहेगी। आप लोग सिर्फ दिल से साथ दो, दुनिया जीत के आपके चरणों में डालूंगा मेरे को। दिल से साथ दो, दिमाग से नहीं। दिमाग वालों से अपनी नहीं पटती यार, प्रॉब्लम है अपने को। साइको हूं मैं, दिमाग वालों से मेरी पटरी नहीं बैठती, मेरी पटरी दिल वालों के साथ बैठती। यस यस, दिल वालों के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं मैं। अगर इस दुनिया में रहा, मैंने अच्छा जीवन प्राप्त किया, जितनी भी मैं तरक्की करी, मैं आप सबसे वादा करता हूं, रिकॉर्ड कर लेना, मैं अपनी जिंदगी में जितना मुझसे भला होगा, समाज का, गरीबों का जितना होगा, मुझसे उससे ज्यादा ही करूंगा। दोस्तों एक ही जन्म है यार, अगले जन्म में साला कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, कोई कुमार साला लठ मार मार के। एक मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म इंसानियत के लिए मिलता है। मनुष्य जन्म इस दुनिया में समझ के लिए मिलता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग सब चीजें समझता है, जानवर का नहीं समझता। अगर मनुष्य की तरह सोचेंगे तो मनुष्यता जरूर जागेगी और एक दिन लोगों की दुआएं हमें बड़ा बनाएंगी। मैं आप फिर कहता हूं, मैं खुद को क्रेडिट नहीं देता, ऊपर वाला महाकाल बाबा भगवान अल्लाह गॉड वाहेगुरु के उसके कमाल है यार। मेरे किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि 22 साल का नीचे का शरीर जग जाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बच्चा पैदा कर दे किसी को 20 साल से जिनको नहीं हो रहे। ये सब आपकी दुआओं का और परवरदिगार के आशीर्वाद का फल है मेरे दोस्त। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो आपका नौकर मानो, संरक्षक मानो, आपकी कंपनी है, मैं इसको आप देख रेख कर रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, रोल आपका है। आज SBPS आपने इंडिया में नंबर 6वें 7वें में पहुंचाई है, आपने पहुंचाई है। नंबर 1 पे लेके आओगे, आप लेके आओगे। इनके घर प्रोडक्ट मैंने नहीं पहुंचाया, आपने पहुंचाया सर, क्रेडिट आपको जाता है। SBPS का हर फाइटर मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना ब्रांड एम्बेसडर, रोल एम्बेसडर, एम्बेसडर। यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये जितने लोग बैठे हो, अपने आप को छोटा बड़ा मत समझना। मैं भी किसान का बेटा हूँ, तुम भी किसान के बेटे, हम सब एक है भाई। सलामी करोड़पति अरबपति को चलाए, सब एक है। वी आर वन, हम सब वी आर वन। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा माहौल, ऐसी दुनिया यार मैंने कहीं नहीं देखी है। दुनिया में अमीर को गरीब से बदबू आती है, जात पात पता नहीं क्या क्या, और हाँ सब गले लगाते हैं, सब गले मिलते हैं। अरे मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करो ना करो, पर इस माहौल में रहो जरूर। ऐसा माहौल इस कलयुग की मतलब दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। Are you ready to get success? Yes! तैयार हो? Yes! तैयार हो? Yes! दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, समाज की, जनता की दुआ लेते रहेंगे और सपने पूरे करेंगे। सुनो, भगवान ने इसलिए भेजा था, ये महाकुंभ किया है, ये कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, विजन है। विजन परमात्मा ने तुम लोगों को भेजा था कि जाओ अपनी क्षमताएं पहचान के आओ, विजन लेके आओ। क्या आप लोग अपनी क्षमता को पहचानने में सफल हुए या नहीं? Yes. पहचानने में सफल हुए या नहीं? Yes. अपनी पावर का एनालिसिस हुआ या नहीं? Yes. पता चल गया Yes. कि तुम सब रास्ते की तलाश में आए थे, रोटियों की तलाश में नहीं आए।
आई एम राइट। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं। पहले एक वादा करो, थाईलैंड आ जाओगे, ऐसा ही फंक्शन थाईलैंड में करोगे प्रॉमिस। दूसरा वादा करो, यहाँ से जाते चेक डबल करोगे। अरे अब तक तुमने एकदम एटम बम घुसाना चाहिए इतना बड़ा फंक्शन में, और कहते मतलब अंदर से आवाज आ रही है। अरे सुनो, 5-7 घंटे जो नहीं बैठ सकते, 5-7 साल काम कैसे करोगे? अरे भैया, जो 5-7 घंटे बैठ नहीं सकता, ये करोड़ों के लिए 5-7 साल काम कैसे करेगा? एक ओलंपियन जो है ना, 10 सेकंड के लिए 4 साल मेहनत करता, 10 सेकंड के रिजल्ट के लिए, 10 सेकंड दौड़ने के लिए, और उसके बाद उसे मौका मिलता है। तुम 4 साल मेहनत करना, तुम्हारी जिंदगी की दौड़ी खत्म हो जाएगी।